We have designed the interface for the list. We now must consider how to implement the interface. यानी कि अब हम देखेंगे इसको हमने रन कैसे करना जी. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये एक लिस्ट है, इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट यूजिंग एन अरे. फॉर एग्जाम्पल, अ लिस्ट ऑफ इंटीजर हमारे पास है 2, 6, 8, 7, 1 कुड बी रिप्रेजेंट एज 2, 6, 8, 7, 1. अच्छा, इसमें कोई इशू हो जी, ये जो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की है लिस्ट के अंदर, तो इसमें इसका साइज कितना है जी? इसका साइज 5 है, 5 एलिमेंट्स हैं जी इसमें, तो किसी को कोई अभाव नहीं होना चाहिए. अच्छा, करंट जो हमारा 3 है, तो 3 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है जी? जी 8 सर, 8 पड़ा हुआ है. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, करंट पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है जी, 8 पड़ा हुआ है सॉरी. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या किया, एक ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करने लगे हैं. अच्छा, मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट है, अगर ये एंड होगी तो आपने रीजॉइन करना है सेम लिंक के साथ. अच्छा जी, ऐड 9 जी जी, इसका इंडेक्स 0 से नहीं स्टार्ट होता? नहीं नहीं, इसमें वो इंडेक्सेस उस तरह नहीं होते, लिस्ट है ना, लिस्ट में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं हम स्टार्ट करते. तो लेट्स सपोज कि हमने 9 करना है, ऐड हमने 9 करना है, करंट पोजीशन उसकी 3 है. द न्यू लिस्ट वुड दस बी, जो नई लिस्ट है हमारे पास करंट, हमारे पास अब हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने 9 ऐड करना है, ठीक है, अपनी लिस्ट के अंदर. ठीक है, और हमारी करंट पोजीशन है वो 3 पे है. ठीक है, जो नई लिस्ट बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 2, 6, 8. करंट पोजीशन हमारे पास यहाँ पे थी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 9 इसको ऐड कर देगा और बाकी 2 एलिमेंट को क्या कर देगा, आगे मूव कर देगा. ठीक है, we will need to shift everything to the right of 8 one place to right to make place for the new element 9. हमने 9 के लिए जगह बनानी है और आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या मूव कर जाएंगे, आगे मूव करेंगे. अच्छा, पहला स्टेप था कि हमारे पास करंट जो था वो 3 पे था और साइज उसका 5 था. अब हमारे पास जब हमने 9 ऐड किया है तो करंट पॉइंटर हमारे पास 4 आ गया और साइज हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया. ठीक है, सही है. यस सर. ठीक है, इसमें कुछ इतनी टेक्निकल चीज नहीं है जी, एक नया एलिमेंट ऐड किया, पहले उसका साइज 5 था अब 6 हो गया, पहले करंट पॉइंटर 3 था अब 4 हो गया. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपको याद है कि हमने पीछे पोजीशन हमें गिवन होगी जी? जी, पोजीशंस तो डेफिनेटली गिवन होंगी, एलिमेंट्स गिवन होंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास करंट पॉइंटर पहले 4 पे था जब हमने 9 ऐड किया था, अब करंट पॉइंटर कौन सा हो गया, 5 हो गया. ठीक है. अच्छा, अब रिमूव का क्या मतलब है, रिमूव का क्या मतलब, रिमूव द एलिमेंट्स एट द करंट इंडेक्स. ठीक है, तो हमारा जो करंट इंडेक्स 5 था, 5 से हमने एलिमेंट को रिमूव किया. ठीक है, तो करंट हमारा 5 ही रहेगा लेकिन साइज उसका कम हो जाएगा. अच्छा, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट था, मैं चेक कर लेता हूँ, 7 था मेरे हाल में. हाँ, 7 था, तो 7 हमने रिमूव कर दिया, 7 का बेसिकली जो हमारा साइज था वो कम हो गया और अब हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास 5 ही है लेकिन अब साइज हमारे पास एक कम हो गया. ठीक है, we will fill the blank spot left by the removal of 7 by the shifting the value to right position after यानी कि हमने जब एक एलिमेंट को रिमूव किया तो हमारी सारी पोजीशंस क्या होंगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, जब हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया था तो सारी पोजीशन राइट पे मूव कर गई थी और जब हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे. अच्छा, इसका बेसिकली कोड है, कोड मैं आपको बाद में करवाता हूँ, ठीक है, डेव पे करूंगा. अच्छा, अब बेसिकली अदर ऑपरेशंस क्या है, गेट का क्या मतलब है, जो बेसिकली करंट पोजीशन पे है वो रिटर्न कर देगा एलिमेंट्स. ठीक है जी, और अपडेट का मतलब है कि हमारे पास जो करंट पोजीशन पे वैल्यू है वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा. लेंथ हमने देखा था कि जो टोटल साइज है वो हमें रिटर्न कर देगा. अच्छा, बैक का क्या मतलब है, करंट जो होगा एक माइनस हो जाएगा. स्टार्ट का क्या मतलब है,
करंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और एंड का क्या मतलब है कि जो बेसिकली जो हमारा साइज है वो हमारे पास क्या है, वो जितना टोटल साइज है लिस्ट का वो हमारे पास। अच्छा जी, एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट, वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट टू द करंट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। ऐसे ही है, हमने देखा था कि हमने जब नया एलिमेंट ऐड किया था तो हमने सबको राइट पे मूव कर दिया था। तो हमारे पास 100 एलिमेंट है और हमने अगर पहले नंबर पे स्टार्ट पे कोई चीज ऐड करनी है तो इसका मतलब 100 एलिमेंट्स को आपको राइट पे मूव करना पड़ेगा। दैट इज योर वर्स्ट केस, ठीक है। तो आपके लिए वो मुश्किल होगा या टाइम कंज्यूमिंग, मुश्किल तो नहीं होगा, आप टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं कि आपको सबको आगे मूव करना पड़ेगा। यानी कि हमने सेंटर में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ये हमारे लिए एवरेज केस होगा, ठीक है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रिमूव करने के लिए जी जो हमारे पास वर्स्ट केस है वो क्या हो सकता है जी? तो रिमूव के लिए वर्स्ट केस क्या है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, अब सारे एलिमेंट आपको लेफ्ट में मूव करने पड़ेंगे। और एवरेज केस क्या है, हाफ एलिमेंट्स को आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। ठीक है, रिमूव में हमारे सेंटर वाला जब रिमूव होगा तो हमें हाफ एलिमेंट्स को मूव करना पड़ेगा। इसी तरह फाइंड में जो हमारा वर्स्ट केस है वो क्या है, इंटायर अरे को हमने चेक करना है और वो हमें एंड पे जाके मिले, और एवरेज केस क्या है कि हमें सेंटर में वो जाके मिले। अच्छा जी, वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्यूटिवली इन मेमोरी। जो बेसिकली लिस्ट में है ना, इसमें हमारे पास जो चीजें होती हैं वो लिंक्ड नहीं होती, ठीक है। जस्ट हमारा सीक्वेंस होता है, लिंक नहीं होती। इस अरे द सेकंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट, और अरे में हमारे पास आता है कि जो उनमें लिंक होता है हमारे पास, ठीक है। और जो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट के बाद आएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है डेफिनेटली वो हमारे पास सेकंड के बाद होगा। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरीज ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यानी कि हमारे पास अरे में अगर एक एलिमेंट का एड्रेस है तो हम बाकी एलिमेंट का एड्रेस भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे किसी ने बात की कि जी लिस्ट जो होती है वो लिंक लिस्ट नहीं होती। लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है, जिसमें हमारे पास आगे भी एड्रेस हो और पीछे भी एड्रेस हो, वो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं मैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास, हमें पता, मैंने बताया हुआ कि तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये लिंक कर रहे होंगे आगे वाले नोड के साथ भी, और ये हमारे लिंक होंगे पीछे वाले नोड के। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लिंक लिस्ट ही